रेशम का ये कपड़ा देखने में जितना सुंदर दिखता है उतना ही ये बेशकीमती भी होता है। रेशम यानी सिल्क दुनिया का सबसे चमकीला और सुंदर प्राकृतिक रेशा है, जिसको एक ऐसे जीव द्वारा बनाया जाता है जो अपनी कलाकारी को कभी देख नहीं पाता। रेशम के इस जीव को सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा या रेशम कीट भी कहा जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को सहतूत के पत्ते खिलाकर बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा जाता है, जिसके एवज में उनसे उत्तम श्रेणी का रेशम प्राप्त किया जाता है। इन जीवों की भूख इतनी अधिक होती है कि इनके लिए शहतूत का बागान लगाया जाता है, जिनसे इनके लिए शहतूत के ताजे व उत्तम श्रेणी के पत्ते प्राप्त किए जा सकें। लगभग 4 हफ्ते भरपूर पत्ते खाने के बाद ये जीव अपनी शुरुआती अवस्था से 500 गुना बड़े हो जाते हैं, और प्यूपा बनने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इनकी प्राकृतिक समझ इनको रेशम का धागा बुनने यानी कुकुन बनाने को प्रेरित करती है। यहीं से रेशम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्यूपा की अवस्था में जाने से पहले ये कीड़े सुरक्षा के लिए अपने मुंह से एक धागा या रेशा निकालकर अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। वास्तव में ये धागा या रेशा कुछ और नहीं बल्कि इस जीव के मुंह से निकली लार यानी सलाइवा होती है, जो हवा के संपर्क में आते ही सूखकर कठोर रेशे या धागे का रूप ले लेती है। इस धागे की लंबाई 1000 मीटर से 1300 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। एक बार कुकुन बंद हो जाने के बाद ये जीव इसमें लगभग 3 हफ्ते तक रहते हैं, लेकिन कुकुन बनने के 1 हफ्ते के अंदर ही इन सभी कुकुन को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे रेशम के कुकुन का धागा या रेशा खुलने योग्य हो जाता है। इस धागे को मशीन से खोलकर सही तरीके से लपेट लिया जाता है और बाद में इसे कपड़े का रूप दिया जाता है। रेशम के इस कपड़े में प्राकृतिक रूप से शानदार चमक होती है, और साथ ही साथ ये कपड़ा बेहद हल्का, मुलायम और मजबूत भी होता है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए तक हो सकती है। रेशमी कपड़े सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं। इसकी यही खासियत इसको दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा बनाती है। लेकिन इस रेशमी कपड़े की कीमत रेशम का कीड़ा अपनी जान देकर चुकाता है, और बदले में हमें वो रेशम जैसा बेशकीमती तोहफा देकर जाता है जो शायद वो जीव हमें जीते जी कभी नहीं दे सकता था। भले ही इसके रेशम की कीमत लाखों में हो, लेकिन इस रेशम के आगे इस जीव की खूबसूरती अनमोल है।